नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी और मैं हूं परीक्षित सेकड़ी। इस वक्त हम खड़े हैं सीतामढ़ी में जानकी जी के मंदिर में। कहते हैं यहीं पे राजा जनक को सीता जी मटके में मिले थे। कहते हैं जनक जी हल जोत रहे थे और उनके हल की नोक से टकराकर मटका एक बाहर आया था जिसमें से सीता जी प्रकट हुए थे। इसीलिए इसको सीता जी का प्रकट स्थल और शक्तिपीठ माना जाता है। इसके बारे में विस्तार से क्या इसका पूरा इतिहास है, क्या कहानी है, कैसे सीता जी यहाँ पली बड़ी, वो सारे का सारा हम जानेंगे मंदिर के अंदर पुजारी जी से। मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद जी आप आगे आइए और अब हम बात करेंगे पुजारी जी से। हमारे साथ हैं पुजारी त्रिभुवन दास। यहाँ का जो राजा है विदेश जनक थे, विदेश जनक का यह सब खेत बाड़ी था। रावण अपने देश में कर लेकर घड़ा में रखा। आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। रावण यही विदेश जनक का राज में आकर यही खेत बाड़ी में घड़ा को लुप्त कर दिया और चला गया। उस समय कोई नहीं देखा। उस समय से 12 बरस तक यहाँ अकाल पड़ गया। विदेश जनक देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे, सेवा करते थे। जब 12 बरस राम आकाशवाणी हुआ यहाँ के राजा जो है फल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा, तो राजा ने सभी ऋषि मुनि संतों को मिथिला को बुलाए और भूमि पूजन किए, अपने हाथे हल चलाए और घड़ा में ठेका भरा फूट गई। संसार सीता प्रकट हो नारद जी आ उसका नाम सीता रखे। विदेश जनक ने अपना नाम जानकी रखे और सुनैना माता ने किशोरी भी रखे। मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की। अन्न जल फल अपार आने लगा, यहाँ के लोग बड़ा हर्षित होने लगे, सीता की मान प्रधान बढ़ने लगा। जनकपुर में पोषण पालन हुआ, जो जनकपुर नेपाल नेपाल अभी है, जनकपुर में पोषण पालन हुआ। जब जानकी जी 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता कहीं चले गए थे, तो वहाँ पर धनुष का पूजा में लेट हो रहा था। जानकी जी अपने गए और धनुष का बहुत पावन पवित्र से बाएं हाथे उठाए और दाहिने हाथे चौका लगाए और पूजा किए। करने के बाद में धनुष का नमस्कार किए और आकर जनकपुर महल में आ गए। विदेश जनक आए देखे कि ऐसा तो पूजा कभी नहीं हुआ था, यह पूजा कौन किया? तो कहा गया कि आपके जानकी जी यहाँ आई हुई थी, वही धनुष बाएं हाथे उठाई है, दाहिने हाथे चौका लगाई है, बड़ा प्रेम भाव से पूजा किया है और फिर जनकपुर आपके गृह में चले। तो यह देखकर विदेश जनक ने कहा यह धनुष कभी हिलडोल नहीं हो रहा था, आज जानकी जी ने धनुष को उठा लिया तो यह धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से नाता जुड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जनकपुर में वो धनुष था, उसको सीता जी ने बाएं हाथ से उठा के उसकी पूजा कर ली। ये दिनचर्या क्या है, सुबह कितने बजे खुलता है, फिर कितने बजे बंद होता है? यह मंदिर जो है 6 बजे सवेरे खुल जाता है, आरती पूजा मंगला होते हुए 9 बजे आरती होता है, उसके बाद में 1 बजे पट बंद हो जाता है, 12:30 बजे भोग लगता है। भोग लगने के बाद में मंदिर को बढ़िया तदन पवित्र कर सरकार को सुला दिया, शयन करा दिया जाता है और शयन का आरती होता है। उसके बाद में फिर 4 बजे पट खुल जाता है, 4 बजे दर्शनी लोग दर्शन करते हैं, फिर संध्या 6 बजे आरती होता है और पूजन होता है और फिर उसके बाद में 7:30 में भोग लगता है और फिर 9 बजे आरती होता है रात्रि को, फिर शयन आरती 10 बजे। इस मंदिर में मेन उत्सव कौन कौन से होते हैं, मुख्य उत्सव कौन कौन? जानकी जी प्रकट हुए हैं वैशाख शुक्ल नवमी को, उस दिन अति भीड़ होता है, सब लोग दर्शन करने आते हैं कि साक्षात जानकी यहाँ प्रकट हुए हैं नवमी को, तो उत्सव मनाते हैं। सभी लोग देश विदेश के आकर माता जानकी का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और अति भीड़ होता है और सबको आकर दर्शन कर प्रसाद चढ़ा लेकर अपने घर चले आते। इस मंदिर दर्शन के तो विशेष फल भी
विशेष फल है जो मानता है उसे जानकी जी हमारा गिरवी नहीं है। जानकी जी की कृपा से कहीं से धन अपार आ जाता है, घर बन जाता है, गृही में वास करते हैं, जानकी जी का नाम लेकर पूजा पाठ करते हैं, माता के दर्शन में लोग आते जाते हैं, कोई गाड़ी मांगते हैं तो कहीं से भगवान अर्थ उनका पूरा करते हैं और गाड़ी लेकर माता के सन्मुख आकर गाड़ी का पूजा कराते हैं। जिसके वंश नहीं होता है वह माता को मानते हैं तो जानकी जी पूरा करते हैं, तो वो बच्चा होता है तो छठी यहीं पर लोग करते हैं, अच्छा, जानकी मंदिर में, और छठी करते हैं उसके बाद में अपने घर जाते हैं। और जब विवाह जोग होता है तो बेचैन होता है कि कन्यादान करना है, वर का शादी करना है, वह मनोकामना पूरा होता है तो पहले बरात कन्या को आता है तो पहले जानकी जी में बरात लगता है, यहाँ गोद लाकर पूजा कर और तब द्वार पर जाकर विवाह शादी होता है। अच्छा, यहाँ के घरों में जब लड़की की शादी होती है तो बरात पहले इस जगह जानकी जी में आता है, उसके बाद आगे जाता, उसके बाद में आगे जाकर वो अपने घर पर विवाह शादी होता है। कोई लड़का आता है पहले जानकी जी का दर्शन करके तब उसका विवाह शादी होता है और मनोकामना सिद्ध होता है और जो मानता है माता या 1500 में जो प्रतिमा दर्शन हो रहा है हरिनारायण दास जी को मिला था। जब हरिनारायण दास जी संत थे ऊपर वाला काला काला जो मूर्ति है तीनों प्रतिमा हरिनारायण दास को मिला था, वही पूजा पाठ करने लगे और जब बारिश हुआ तो झोपड़ी बनाए, पहले सीतामढ़ी नाम था और झोपड़ी बनाकर जब सरकार को रखकर पूजा करने लगे तो सीतामढ़ी नाम हुआ और जो आते थे दर्शन करते थे मनोकामना मांगते थे पूरा होते थे तो धीरे धीरे मेला भीड़ बढ़ते गया, शहर हो गया। ठीक, धन्यवाद।